नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने से मेडिकल्स में कोरोना मरीजों के साथ साथ परिजन और रिश्तेदार बड़ी संख्या में मेडिकल परिसर में बैठे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मेडिकल परिसर में कहीं भी खुले में बेड डालकर डॉक्टर किसी भी मरीज का इलाज नहीं कर रहे हैं। खुले में इलाज कर रहे ऐसी बातें सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म करने के लिए कही जा रही है। इस ओर दर्शक ध्यान दे, जागरूक रहे, सतर्क रहे। नागपुर की लोक संख्या 37 लाख की है। नागपुर के दक्षिण नागपुर स्थित मेडिकल अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। नागपुर के इसी अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। मेडिकल में दिन ब दिन कोरोना के मरीज बढ़ने से और बेड उपलब्ध नहीं होने से मेडिकल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर अतिरिक्त बेड लगाकर डॉक्टर की टीम खुले में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे कई भ्रामक अफवाहों से कोरोना मरीज और उनके रिश्तेदारों में संभ्रम की स्थिति बनी हुई है। हम आपको बता दें कि मेडिकल अस्पताल के अंदर कोविड मरीज का इलाज जरूर डॉक्टर की टीम दिन रात सेवाएं देकर अपना कर्तव्य काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, और जो ट्रॉमा सेंटर के बाहर लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं वो सब मरीजों के परिजन हैं, जो अब अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए बाहर बैठे हैं। आए दिन हर कोई अपने मन से ख्याली पुलाव तैयार करके शहर भर में परोसने का काम कर रहे हैं। ऐसे अफवाह फैलाने वालों से सतर्क रहे, यही समय की मांग है। दर्शकों, इस समय में बीसीएन की टीम नागपुर के मेडिकल अस्पताल में है। हम आपको बता दें कि इस समय में बीसीएन की टीम ट्रामा सेंटर के सामने में खड़ी है। आप देख सकते हैं कि इसी मेडिकल अस्पताल में तकरीबन 500 से भी ज़्यादा लोग के ऊपर में कोरोना का संक्रमण बढ़ने से उनके ऊपर में इलाज जारी है। उनके परिजन पिछले कई दिनों से इस तरह से मेडिकल के उस कैंपस के फुटपाथ पर बैठे हुए सोच विचार में बैठे हैं। हर कोई देख सकते हैं कि यहाँ मास्क लगाकर कई दिनों से इनके रिश्तेदार यहाँ पे बैठे हैं, इनके पेशेंट अंदर में हैं। आखिरकार मेडिकल अस्पताल में जिस प्रकार से सुविधाएं जो है कहीं ना कहीं वो कम दिखाई देती है, अंदर में ये नौबत है कि एक ही बेड पे 2 और 3 मरीजों को भी सुलाए जाने की खबर है। तो वहीं आप देख सकते हैं, हम ये लोग काफ़ी दूर दराज से आए हुए हैं, और इसी ये ट्रामा सेंटर जो बगल में दिखाई देता है वहाँ पे हाल ही में सेंट्रल जेल से कुछ कैदी जो कोरोना के संक्रमण से बाधित है, शिकार हुए हैं, उन लोगों को भी पुलिस आना जाना कैदी कर रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरे कैदी देख सकते हैं आप, ये पूरे कैदी सेंट्रल जेल से ये कैदी के ऊपर भी इलाज के लिए इन्हें भी ट्रामा सेंटर से आए हुए हैं। 1, 2, 3 ऐसी पुलिस की वैन लॉरिया यहाँ पे दिखाई देती है, और यही होता जैसे ही ये पुलिस वाले निकल गए वहाँ पे गेट लगाया गया, पुख्ता इंतजाम है, कोई भी आना जाना नहीं कर पा रहा है क्योंकि मेडिकल प्रशासन भी अच्छा कामकाज कर रही है। डॉक्टर की टीम चाहे पारिचारिका हो या तमाम कर्मचारी हो, दिन रात इस अस्पताल प्रशासन के काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में पेशेंट को ज़रूर तकलीफ हो रही है, जो सुविधाएं नहीं मिल रही है उसके लिए, और उनके पूरे परिजन यहां पे मौजूद है। और नागपुर में जिस तरह से अस्पताल को जो प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा जो एक सुविधा जो देना था वो कहीं ना कहीं कम क्वांटिटी में देने के लिए आई हुई है। और इधर में एक तरफ शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा और संख्या बढ़ रही है, ये गंभीर और चिंता का विषय है। प्रशासन इस ओर ध्यान दे, यही समय की मांग है। स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। मेडिकल कॉलेज से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ संजय मिरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।